तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए रूल ब्रेकर को और साथ ही साथ प्रेस कीजिए उस बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को ताकि आप मेरे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। तो दोस्तों हमें मिला है एक सरप्राइज बॉक्स बीट्स उल्फ की तरफ से जो कि आज ही मेरे पास आया है। ये बड़ा सा डब्बा। तो बीट्स उल्फ ने मुझे बहुत दिन पहले बोला था कि कुछ गिफ्ट वो लोग भेजने वाले हैं, पर मुझे पता नहीं उनका तो बहुत सारा प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने भेजा है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसका। पता नहीं अंदर एक प्रोडक्ट है या फिर दो तीन प्रोडक्ट है, देख के तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी यहाँ पे ब्रांडिंग व्रांडिंग कुछ भी नहीं है और मैंने कोई दूसरा तो ऑर्डर नहीं किया था अभी, तो लगता है कि शायद वही है। दूसरा कोई ऑर्डर करता फिर भी तो ट्रैकिंग आईडी या फिर कुछ आता, मेरे पास मैसेज वैसेज कुछ नहीं आया। बाय पोस्ट से आया है ये, इसको साइड कर देते हैं। और ये जो है मेन बॉक्स हमारे पास है, चारों तरफ से सील है तो इसको काट लेते हैं सबसे पहले। बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है ताकि प्रोडक्ट जो है डैमेज ना हो। मुझे एक अनबॉक्सिंग वाला नई प्लेन लेना चाहिए। कुछ लेके पड़ा है, तो ये तीनों प्रोडक्ट है यहाँ पे। शायद ये भी एक प्रोडक्ट है, लग तो रहा है ऐसा। ये प्रोडक्ट काफी हैवी है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है पैकेट में, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना का लोगो है और कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो है ब्रांडिंग है बीट्स उल्फ मॉडल BW F3। और यहाँ पे BW F3 स्पीकर, हाँ ये तो ब्लूटूथ स्पीकर है और इसका कलर है जो है ब्लू कलर का है। तो अब कुछ नहीं, इसको साइड में रखते हैं। ये छोटा सा क्या है इसको बाद में देखते हैं। इसको तो देख के आपको पता ही चल गया कि क्या है, ये एक VR है। VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है ये। VR के बारे में आपको शायद पता ही होगा। और इसके भी साइड में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस लिखा है। पीछे की तरफ एक पिक्चर है, साइड में भी पिक्चर है और कुछ तो फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, इन दोनों चीज़ों को साइड में रखते हैं और सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं। सील है पूरा, एक चाहिए अनबॉक्सिंग वाला नाइफ, इससे काम नहीं करेगा। उल्टा खोला है मैंने इसको, ये पैकेट है, इस पैकेट को साइड में कर देते हैं। इसको ओपन करते हैं, ये हेल्प एंड सपोर्ट कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है। और साइड में अगर आप इस साइड में देखें तो एक QR कोड दिया गया है जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक ट्विटर पेज का लिंक दिया है बीट्स उल्फ का। और साथ ही साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, तो ये इंग्लिश पे है या चाइनीज, हाँ ये पूरा का पूरा जो है इंग्लिश में है, चाइनीज़ पे नहीं है। और यहाँ पे भी आपको वो QR कोड जो है मिल जाता है दोनों तरफ, हाँ इस तरफ इंग्लिश भी है चाइनीज़ भी है, कोई बात नहीं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लासेस जो है 3.5 इंच के डिस्प्ले से लेके 6.3 इंच का डिस्प्ले कवर कर लेते, मतलब ये VR हेडसेट जो है लगभग हर एक फ़ोन को ये सपोर्ट करता है। 3.5 इंच से लेके 6.3 इंच तक ये सपोर्ट करता है। और कुछ यहाँ पे गेमिंग फेमिंग मोशन कंट्रोल और भी बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक शायद आपको ग्लास क्लीनिंग के लिए एक दिया गया है कपड़ा। और मेन चीज़ को ओपन करते हैं, ये जो है हमारा मेन VR हेडसेट है। सामने की तरफ आपको बीट्स उल्फ वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस का ब्रांडिंग लिखा गया है। और यहाँ पे आपको तीन स्क्रॉल स्विच जैसा मिल रहा है जिससे आप शायद ऑप्टिकल फोकस और जूम सिलेक्ट कर सकते हैं। और साइड में तो और कुछ बटन वटन आपको नहीं दिखता है, नहीं मेरे पास भी कुछ बटन नहीं दिखता। और इस साइड से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं। और फ़ोन को आपको इस साइड से जो है एंटर कराना है, ये शायद ओपन हो सकता है,
हाँ यहाँ पे जो है आप आपका फ़ोन इंसर्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसको एक मिनट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन दोनों चीज़ को जो है स्लाइड करना है और फ़ोन को यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, देख लीजिए। हाँ, ये जो है लॉक हो चुका है। अब फ़ोन को धीरे से पकड़ के आपको यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। अब ये देखिए लॉक हो चुका है। यहाँ से आप कैमरा और स्पीकर दोनों अगर आपके हो तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और साइड में अगर आप हेडफोन या फिर और कुछ इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसको सिंपली आपको जैसे VR पढ़ना होता है ऐसे ही आँख में पढ़ लेना है और आप VR का मज़ा जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों लेंसेस की क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे एडजस्टेबल जूम और फोकस जो दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप बात करें बिल्ड क्वालिटी का, तो बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। उतना बड़ा भी नहीं है लेकिन कुछ खास भी नहीं है। नॉर्मल प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन फेस के तरफ जो यहाँ पे कुशन दिया गया है वो कुशन काफ़ी अच्छा है। और जो बेल्ट है वो भी बेल्ट भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो एडजस्टेबल है, चारों तरफ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि नॉर्मल होता है साइड वाला बेल्ट वो तो है, साथ ही साथ ऊपर में आपको एक बेल्ट दिया जाता है जैसे कि वो नीचे की तरफ ना फिसले। बहुत बार ऐसा होता है ऊपर का बेल्ट नहीं रहता तो वो फ़ोन के लोड के वजह से आगे की तरफ झुक जाता है, तो आप वीडियो क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं लगता। और साथ ही साथ अगर आप नोज़ के यहाँ के बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रबर पैड दिया गया है ताकि आपके नोज़ को कोई मतलब हार्म ना हो। ऐसे नॉर्मली अगर हार्ड प्लास्टिक होता तो ज़्यादा देर यूज़ करने के बाद वहाँ पर जो है एक रेड कलर का हो जाता है, पता नहीं नोज़ के अंदर। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा है VR, काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन एक बात है, ज़्यादा देर तक इसे यूज़ ना करें। इसे क्या कोई भी व्यूअर 30 मिनट से ज़्यादा लगातार यूज़ ना करें, आपके आँखों के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप एक VR लेना चाहते हैं तो इस प्राइस रेंज पे काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। ये इसका प्राइस लगभग 1,100 रुपये है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे दिए हुए कूपन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस कूपन से अगर आप इसको ऑर्डर करें तो एक्स्ट्रा 30% आपको ऑफ मिलता है। साथ ही साथ तो दोस्तों अगर इस प्राइस रेंज पर आप किसी दूसरे VR की बात करें जैसे कि MI VR हो गया या फिर जेब्रोनिक्स हो गया, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलता और इतना अच्छा भी नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं VR लेना तो ये ले सकते हैं, वरना आपको और भी बहुत कम प्राइस में और भी बहुत सारे VR जो है मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ एक और प्रोडक्ट आया है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है मेनली मुझे पता ही चल गया था, ये गेमिंग कंट्रोलर है। इसका भी प्राइस लगभग आपको 150 या 200 रुपये में मिल जाएगा। ये नॉर्मल जो रिमोट का जैसे बैटरी होता है, AAA बैटरी से चलता है। यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना है और बैटरी इंसर्ट करने के बाद ये ऑन ऑफ का स्विच है, इसको ऑन कर दीजिए, फिर ब्लूटूथ से पेयर कर लीजिए। उसके बाद आप गेम का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, VR के साथ दिया गया है, मतलब VR में अगर आप गेम खेलना चाहें तो आप तो टच नहीं कर सकते, तो इस कंट्रोलर से टच करके आप जो है वहाँ पे गेम खेल सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छा है। नीचे की तरफ का दो ऑप्शन मिलता है, गेम मोड और की मोड, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जॉयस्टिक मिलता है जो घूमता भी है, ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है। और यहाँ पे चार बटन मिलता है, यहाँ पे भी और मतलब मेनू का बटन मिलता है, एस्केप का बटन मिलता है और सिलेक्ट का बटन मिलता है और स्टार्ट का बटन मिलता है। और कोई बटन यहाँ पे नहीं दिया गया, ऑन ऑफ और ये सब कुछ ही यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ का, तो इससे भी आप गेम खेल सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास, बीट्स ग्रुप का ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ये ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है, कुछ इस तरह का ये है, बहुत ही हैवी है। इसको भी फिलहाल साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपको ये पेपर मिलता है, ये जो है इसका यूज़र मैनुअल है, इसको साइड में रखते हैं। और पैकेट के अंदर आपको एक चार्जिंग पोर्ट पिन मिलता है जो कि USB 2.0 से नॉर्मल USB 2.0 का ही पोर्ट है, जी मतलब टाइप सी नहीं है। और आपको एक AUX केबल मिलता है जो कि आप लैपटॉप या फिर कोई ऐसा डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ नहीं है उससे आप इसके फ़ोन मतलब यहाँ पे गाना बजा सकते हैं। और एक और सिम यूज़र मैनुअल मिलता है जो कि चाइनीज़ पे नहीं है, इंग्लिश पे है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, हालांकि मेड इन चाइना है। और इसका बिल्ड क्वालिटी की बात अगर करें आप, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पर चारों तरफ आपको रबर ग्रिप मिलता है, यहाँ पे सामने की तरफ दो स्पीकर साइड में मिलता है, ये जो है नॉर्मल इसमें गाना वाना प्ले होता है। और पीछे की तरफ आपको दो स्पीकर मिलता है, ये जो है बेस के लिए है। इसका बिल्ड क्वालिटी बोले तो काफ़ी अच्छा है, वेट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नीचे आपको ट्राईपॉड माउंट मिलता है, लेकिन वेट स्पीकर ट्राईपॉड पे कौन माउंट करता है। और ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको चार कीज मिल जाता है। पहला की जो है पावर ऑन ऑन ऑफ का की है, उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन का मिल जाता है, उसके बाद है कॉल रिसीव या फिर प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, उसके बाद आपको साउंड बढ़ाने का की मिल जाता है। इस साइड में आप अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है DC
इसको अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है और AUX का पिन मिल जाता है। तो और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, ये रबर ग्रिप है जो कि काफ़ी अच्छा है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छा है। तो इसको एक बार सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया है ऑन। तो दोस्तों मैंने पर्सनली बहुत सारे स्पीकर यूज़ किया है, जेब्रोनिक्स का हो गया, पोर्टोनिक्स का हो गया, फिर JBL गो हो गया, JBL का वो बड़ा वाला स्पीकर कौन सा था मेरा नाम याद नहीं, MI का पोर्टेबल स्पीकर, बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर मैंने यूज़ किया है, लेकिन इसके जैसा परफॉर्मेंस सच में नहीं है। लगातार मैं 6-7 घंटे से बजा रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली बज रहा है, और साथ ही साथ इसका बेस बोलिए या फिर साउंड क्वालिटी, हर एक चीज़ जो है मस्त है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये प्रोडक्ट। और अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर तो आप ज़रूर इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको खरीदें और स्क्रीन पे जो दो कूपन कोड आप देख रहे हैं वो यूज़ करें तो आपको VR ग्लासेस में एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ उस स्पीकर में भी आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए और क्या, ऐसे ही देखते रहिए रूल ब्रेकर। जय हिंद।